हरियाणा में हुड्डा के एक गांव में खुद कांग्रेस फंस गई है। हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा धमाका करने की कोशिश की। तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन कांग्रेस को दिलाकर हुड्डा ने दावा किया अब सरकार अल्पमत में है और सरकार गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही हुड्डा का यह बयान आया वैसे ही जेजेपी ने मोर्चा खोल दिया। दिग्विजय और फिर दुष्यंत ने हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब गुमराह करने की बात है, हुड्डा जो अब करना चाहिए था वो पहले ही कर चुके हैं, यानी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो एक महीने पहले ही ला चुके हैं, अब छह महीने से पहले कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते, यानी हुड्डा सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं। नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रश्न, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। आज की बीजेपी की सरकार अल्पमत में चली गई है और यही बयान दिया है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। अल्पमत में जब कोई सरकार चली जाती है तो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी है कि वो उसके खिलाफ गवर्नर से मिले, महामहिम से मिले। अल्पमत की सरकार कोई भी कैबिनेट का फैसला नहीं ले सकती है, कोई भी संवैधानिक फैसला नहीं ले सकती है, तो उसके खिलाफ वो गवर्नर से मिले, सरकार को बर्खास्त कराने के लिए अप्रोच करे और फिर महामहिम की संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो विपक्ष को मौका दे। मैं हुड्डा जी से ये कहूं और उनसे ये पूछूं कि अब वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार अल्पमत में है, इतना क्रूशियल समय है, एक मिनट भी नायब सैनी को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। अब तो अब इंतजार किस चीज का है? भूपेंद्र हुड्डा, इसीलिए मैं कहता हूं, हैंड इन ग्लव है बीजेपी के साथ। दरअसल हुड्डा ने रोहतक में तीन निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को समर्थन दिलाते हुए दावा ठोक दिया कि सरकार अल्पमत में है और अब हरियाणा की सरकार खतरे में है। हालांकि विधानसभा के गणित को समझें तो फिलहाल 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में 88 सदस्यों की ही चर्चा होगी, क्योंकि निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे और विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं, और अब वहां उपचुनाव में नायब सैनी मैदान में है। बीजेपी को बहुमत के लिए 45 सदस्यों का साथ चाहिए जबकि उनके पास 44 का आंकड़ा है, साथ ही जेजेपी के विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन दुष्यंत का कहना है कि हुड्डा नाटक कर रहे, अगर वाकई सरकार गिरा सकते हैं तो गिराएं, हम समर्थन बाहर से देंगे। वहीं सीएम सैनी कहते हैं कि विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं, हुड्डा उनकी इच्छा पूरी कर रहे, जनता और जनता की इच्छा से इनका कुछ लेना देना नहीं। विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी है। खैर, चुनाव से पहले हुड्डा ने दांव तो बढ़िया चला लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि हुड्डा ने ये दांव रोहतक से चला है क्योंकि दीपेंद्र वहां से चुनाव लड़ रहे और भूपेंद्र हुड्डा ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे साथ तो अब निर्दलीय भी आ गए तो दीपेंद्र और मजबूत हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।